भाजपा छोड़ चुके विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर हुंकार भरी है। उन्होंने अपने समर्थकों को 1 लाख पार का संकल्प दिलाया है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि महियर के विकास के लिए उन्होंने विधायक पद की बलि दी है। विधायक नारायण त्रिपाठी अपने कर्मभूमि महियर पहुंचे। जुकेई से महियर तक गांव गांव में उनका स्वागत किया गया। घंटाघर चौराहे पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। नारायण त्रिपाठी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं। मैयर के विकास के लिए उन्होंने अपने विधायक पद की बलि दी है। त्रिपाठी ने सभा में बैठे कार्यकर्ताओं से 1 लाख वोट देने का संकल्प भी दोनों हाथों को उठाकर दिलवाया और विंध्य प्रदेश बनाने का वादा पूरा करने का आश्वासन मैयर की जनता को दिया कि जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ जाओ, जाति और पद से ऊपर उठ जाओ। इस नारायण त्रिपाठी को आशीर्वाद दो, नारायण त्रिपाठी को 1 लाख वोट से इस बार चुनाव जिता दो। यही नारायण त्रिपाठी आपके लड़ाई लड़ेगा और आपके बाल बच्चों को बेहतर भविष्य देने का काम करेगा। नारायण त्रिपाठी की यह सभा किसी भी राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि वो किस दल से चुनाव लड़ेंगे, पर उनके बयानों से साफ लगता है कि वो अब अपनी पार्टी विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। त्रिपाठी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा वाले चाल चरित्र की नाटक नौटंकी व नकली राम राज्य की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब अधिकृत रूप से मेरी ज्वाइनिंग तय की गई थी, उस दौरान भी पूरे भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के बीच में बोला था कि मेरे आदर्श और राजनीतिक गुरु माननीय मुलायम सिंह यादव हैं, तो मेरे उनसे संबंध तो थे। कमलनाथ जी से मेरे संबंध तो हैं, दिग्विजय सिंह जी से मेरे संबंध तो हैं। हम लोग राजनीति की शुरुआत अर्जुन सिंह जिंदाबाद, श्रीनिवास तिवारी जिंदाबाद और मैयर के तमाम लोगों को लेके मैं छिंदवाड़ा जाता था, जिसमें कमलनाथ जिंदाबाद हम लोग करते थे। तो उनसे मैं मुलाकात करता हूँ, तो मुलाकात का अर्थ लोग दूसरे ढंग से लगाते हैं। कोई डील कहता है, जब कोई डील कहता है मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आज तक हमने अपने जीवन में यदि डील भी किया होगा तो अपने धंधा व्यापार की नहीं की है, मैयर के डेवलपमेंट की किए, मैयर के विकास की किए। और बिंद का भी विकास करवाएंगे, बिंद का पुनर्निर्माण करा के बिंद में राम राज्य की स्थापना कराएंगे। जो नाटक नौटंकी सरकारों की चलती है, 1 रुपया किलो गेहूं चाव, गरीबी रेखा का कार्ड, लोग गांव के गरीब आदमी भटकते रहते दिन भर नेताओं के पीछे, हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने काम करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।